मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम नाविल निगारी की सिन्फ पर भी तबसरा करते हैं, निसाब में शामिल नाविल और नाविल निगार पर तबसरा करते हैं, उर्दू नाविल निगारी की तारीख पे भी गुफ्तगू करते हैं। इस सिलसिले में हमें कई नाविल निगारों का जिक्र करना पड़ता है जिन्होंने उर्दू नाविल निगारी की तारीख को मुस्तहकम किया। उनमें एक मशहूर नाविल निगार पंडित रतननाथ सरसार भी गुजरे हैं। पंडित रतननाथ सरसार वैसे तो कश्मीरी पंडितों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनकी तालीम व तरबियत और उनकी परवरिश अवध के तहजीबी व तमद्दुनी माहौल में हुई। उन्होंने वहाँ के नवाबीन का अहद भी देखा, अवध के तहजीब व तमद्दुन के नशेब व फराज, वहाँ रूनुमा होने वाले वाक़यात व हालात और बाज़ दीगर ऐसी मालूमात उनके नावलों के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं जिनके मुताले व मुशाहदे से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगरचे उनके नावल जो इब्तदाई दौर में लिखे गए सहरे कोसार या सबसे उनका शाहकार नावल फसानाए आज़ाद, ये वो नावल है जो उर्दू नाविल निगारी की तारीख में एक ऐसा मोड़ या संगे मील है जिससे नाविल निगारी की तारीख अपना सफ़र तय करती है। चूंकि रतननाथ सरसार से थोड़े ही वक्त पहले तक या उनके अहद तक दास्तान नवीसी का दौर भी था, लिहाजा उनके फसानाए आज़ाद पर दास्तान नवीसी के असरात नुमायाँ तौर पर हमें दिखाई देते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये नाविल नहीं बल्कि दास्तान है। कुछ लोग कहते हैं नाविल है, कुछ लोग कहते हैं नाविल और दास्तान निगारी के बीच की कड़ी है। बहरहाल जिसने भी अपना कोई नज़रिया पेश किया उसने ये तो ज़रूर तस्लीम किया है कि पंडित रतननाथ सरसार ने बाहैसियत नाविल निगार जो खिदमात अंजाम दी उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। फसाने आज़ाद का आपने वो किरदार भी देखा होगा नवाब साहब का कि उनके बटेर उड़ जाते हैं और वो किस तरह परेशान होते हैं, और खूजी जो इनके नाविल का मजाहिया किरदार है वो अपने अहद की रिवायती ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करता है। रतननाथ सरसार चूँकि अवध के परवरदा थे लिहाजा उन्होंने वहाँ के मुहावरात और ज़रबुल अमसाल और अल्फाजो तराकीब को जा बजा फसानाए आज़ाद में इस्तेमाल किया है। दूसरा, वो ये भी बताना चाहते हैं कि नवाबों के दरबारों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई काबिल कद्र होते हैं, हुनरमंद होते हैं, जैसे मियाँ आज़ाद, और ऐसे लोग भी होते हैं मस्खरे जो झूठी तारीफें करके अपना काम निकालते हैं, जैसे खूजी। मुसाहिबों की फहरिस्त में हर तरह के लोगों की शमूलियत देखने को मिलती है, और ये फितरत के आइन मुताबिक भी है। हर इंसान का मिजाज, हर इंसान का नज़रिया या तफक्कुर यकसा नहीं होता, उसमें कहीं कहीं इनफरादियत भी होती है, और इनफरादियत कहीं मायूब के ज़ेरे असर दिखाई देती है, कहीं महासिन के तवस्सुत से वो ज़ाहिर होती है। लेकिन रतननाथ सरसार चूंकि नफ्सियाती तौर पर नाविल निगारी के फ़न से वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने जैसा किरदार
मिला वैसी ही उनकी पेशकश रही, वैसी ही उनकी जबान, वैसा ही उनका उसलूब या उनका तर्ज़ नगारिश देखने को मिलता है।